जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड में बहुत ही लंबे समय से जो है आपको एक भी जो है वैकेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जितनी भी जो वैकेंसियाँ निकली थी उसे तो सरकार ने रद्द कर दिया है, परंतु जो कौन कौन सी प्रमुख 5 वैकेंसी होने वाली है उसकी मैं दोस्तों पूरी डिटेल अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी झारखंड सरकार ने जो है एक नई नियमावली बनाई है नौकरी को लेकर, जैसे कि जैसे जितने भी वैकेंसियाँ निकालती है उसके ऊपर जो है एक नई नियमावली आई है कि जिसके उपरांत दोस्तों आप लोग को इसी नियमावली के अनुसार दोस्तों अभी जो है नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। आप सबको पता हो कि एक लंबे समय से यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, परंतु ये जो नियमावली है इसके आने के बाद जितनी भी जो खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं इन सबको दोस्तों भरने के लिए सरकार जो है वो अभी लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही लंबे समय से सरकार ने कोई भी वैकेंसी नहीं दी है। इसके कारण दोस्तों सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों सरकार चाह रही है कि जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द वैकेंसी यहाँ पे निकाल दी जाए। दोस्तों मैं आप लोग को ऐसा झूठा वादा नहीं करूँगा कि ये जो वैकेंसी है ये 1 महीने में आ जाएगी या 2 महीने में आ जाएगी, परंतु आने वाले वक्त में अगर बात करूँ मैं टॉप 5 वैकेंसी की झारखंड में, तो उन 5ों वैकेंसी की पूरी डिटेल अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करिए कि ये जो टॉप 5 वैकेंसी है ये कौन कौन सी रहने वाली है, और साथ में दोस्तों आप लोग की अपनी जो तैयारी है वो किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मैं यहाँ पे आप लोग को हाईलाइट बता देता हूँ, जो नया नियमावली आई है अभी झारखंड में नौकरी को लेकर उसकी दोस्तों मैं थोड़ी सी हाईलाइट बता। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताया गया कि 10वीं और 12वीं की जो डिग्री है वो अभी झारखंड से होना जरूरी हो गया है, ठीक है। 10वीं और 12वीं की डिग्री, और ये बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों हमारे लिए कि 10वीं और 12वीं की जो डिग्री है वो अब अगर वैकेंसी निकलती है 10वीं और 12वीं की दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन रहती है तो वहाँ पे 10वीं और 12वीं की जो डिग्री है वो आपकी झारखंड से होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें कि SC ST कैंडिडेट की, तो वो अगर दोस्तों किसी अन्य राज्य से मैट्रिक पास करते हैं तो वो यहाँ पर वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जो एक पेपर जो कंपलसरी कर दिया गया, पहले दोस्तों हिंदी में सिर्फ 30% अंक लाना जरूरी था, लेकिन अभी जो है आप लोग जब एग्ज़ाम देखे तो वहाँ पे देखिए हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों को मिला के 30% अंक लाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, 50 हिंदी रहने वाली है और 50 दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश रहने वाली है, तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों 30 नंबर आपको लाने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो मुख्य जो परीक्षा होगा जिसके थ्रू दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें दोस्तों आपका वहाँ पे जो है आपका पेपर को चेक किया जाएगा। पहले आपको ये जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइड पेपर रहेगा, इसमें 30% अंक लाना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके जो विषय रहेंगे वो एक जो लोकल लैंग्वेज आपकी रहेगी, चाहे वो संथाली, उर्दू, बंगाली, कुछ भी है जो आप वहाँ पर बोलते हैं, जो आपकी एक जनजातीय भाषा है उसे, उसमें दोस्तों आपको 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो अंक है जो पहला वाला, ठीक है, जिसमें आप लोग को ये कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी, ये तो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना जरूरी हो जाएगा, कंपलसरी है। ये अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो 2 पेपर रहेगा बाद में, एक लैंग्वेज पेपर और एक जो रहने वाला है जो GK GS जिसमें मैथ रहने वाले हैं, वो पेपर आपका, ये दोनों पेपर आपका जो है यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग इस पहले पेपर को पास नहीं करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले ये जो पेपर है इसको पास करना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको अपना लैंग्वेज जो पेपर है उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका जो GK GS वाला पेपर है उसमें जितने अधिक दोस्तों, ये दोनों पेपर में जैसे कि आपका लैंग्वेज पेपर और GK GS वाला जो पेपर है, इन दोनों में आप जितने भी अधिक अंक ला सकते हैं, क्योंकि यही 2 पेपर ऐसे हैं जिसको दोस्तों आपको मेरिट में इन्हीं अंकों को दोस्तों जोड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी जो पहला पेपर रहने वाला है उसको जोड़ा यहाँ पर नहीं जाएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये जो नियमावली आई है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है एक साथ दोस्तों कई सारे एग्जाम होते थे, एक बार दोस्तों PT की एग्जाम होता था, फिर मेंस का, इन सारे झंझटों से दोस्तों आपको दूर कर दिया गया है, ठीक है। अभी जितने भी दोस्तों 10th और 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, SSC जो लेने वाली है जितने भी एग्ज़ाम अभी, तो वहाँ पर दोस्तों देखिए जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी दोस्तों एक ही बार में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी दोस्तों एक जो है यहाँ पर नियम जो है सरकार की तरफ से बनाया गया है। चलिए जो हमारी जो वैकेंसी है, जो इम्पोर्टेंट जो टॉप 5 वैकेंसी अभी आने वाली है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक।
दोस्तों ये जो टॉप 5 वैकेंसी है ये आपको 2021 के अंत तक 100% आपको झारखंड में देखने को मिलेगी, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो ये जो टॉप 5 वैकेंसी है, क्योंकि अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पे झारखंड में अभी दोस्तों मैं बात करूँ तो 3,29,000 पद दोस्तों अभी खाली पड़े हुए हैं, जबकि अभी दोस्तों झारखंड में बात करें तो कुल कितने पद है, 5,25,000 दोस्तों यहाँ पे सरकारी पद हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आधे से ज़्यादा पद जो है खाली पड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों कोरोना के कारण जो है एक भी वैकेंसी नहीं आई थी और वैकेंसी जो है सारे रद्द कर दी गई थी। यहाँ पे सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और आपको दोस्तों यहाँ पे मैं वादा करूँ, देखिए 2021 के अंत तक दोस्तों आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी 2021 के अंत तक। आप लोग दोस्तों अपनी पढ़ाई जारी रखिए। देखिए यहाँ पे कुल अभी सरकार के पास 5,25,000 दोस्तों पद है, सरकारी पद, जिसमें से 3,29,000 पद खाली हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए नौकरी के लिए दोस्तों युवा कर रहे हैं आंदोलन। देखिए लगातार जो है युवा जो है वो आंदोलन पे आंदोलन कर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज्ञात हो कि झारखंड में नौकरी को लेकर झारखंड के युवा आंदोलन कर रहे थे। युवाओं 21 जून से 3 जुलाई तक नियुक्ति के लिए अभियान छेड़ दिया था। दोस्तों अभी जो पंचायत सचिव का दोस्तों जो नियुक्ति प्रक्रिया है, टीचर का बात कर ले हम लोग, तो इन नियुक्तियों को लेकर दोस्तों आंदोलन किए जा रहे हैं लगातार दोस्तों, यूनियन के द्वारा दोस्तों आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें तो विपक्ष ने भी अच्छा खासा समर्थन दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, चलिए वैकेंसी के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस की। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें युवाओं को बहुत ज़्यादा उत्साह है इस वैकेंसी को लेकर, और ये वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो दोस्तों सितंबर का महीना है, इस सितंबर के महीने के अंत तक या फिर दोस्तों 2021 के अंत तक 100% मान के चलिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 100 में दोस्तों 200% मान कर चलिए 2021 के अंत तक आपको ये वैकेंसी जरूर देखने को मिली। दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि दूसरे यूट्यूबर क्या कहते हैं, लेकिन जहाँ तक दोस्तों इतने दिनों एक्सपीरियंस है, 2021 तक आपको ये वैकेंसी 110% दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को ये वैकेंसी मिलेगी। देखिए यहाँ पे 2021 में दोस्तों आशंका लगाया जा रहा था कि ये मार्च में ही निकलेंगी 2020 के ही, लेकिन कोरोना काल के कारण ये वैकेंसी अटकी हुई है। इसके सारे दोस्तों जो वैकेंसी निकालने की जो प्रोसेसिंग कार्य है ये पूरा हो चुका है। ये वैकेंसी अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोस्तों सरकार के कारण जो ये नया नियमावली के कारण दोस्तों रुका हुआ था। अब नया नियमावली आने के बाद इस वैकेंसी का रास्ता दोस्तों पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपको 100% दोस्तों देखने को मिलेंगी। देखिए अभी जो है बात करें अगर यहाँ पे झारखंड पुलिस में, तो कुल खाली पद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 15,400, और जो दोस्तों कुल पद है अभी झारखंड में पुलिस विभाग में वो है 73,500 के आसपास दोस्तों, 73,500 के आसपास दोस्तों यहाँ पे पुलिस विभाग में झारखंड में है। लेकिन यहाँ पे खाली पद की बात करें तो अभी भी दोस्तों 15,400 पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों झारखंड पुलिस की अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट में देखिए सबसे पहले 18 से 30 वर्ष की एज लिमिट होने वाली। हाइट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में आएंगे उनके लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी होता है। वहीं एस सी एस टी की बात करें तो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ कि लड़कों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों बता दूं कि 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रहने वाली है। दोस्तों चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो लड़कों के लिए है 81 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। वहीं एस सी एस टी कैंडिडेट जो है उनके लिए 79 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th और 12th लेवल पर दोस्तों ये निकलती है, लेकिन अधिकतर दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो हमेशा से ये 10th लेवल पर निकला है, लेकिन हो सकता है कि सरकार अब इसे 12th लेवल पर भी निकाल दे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें दोस्तों पहले अभी जो पहले जो है पीटी और मेंस दोनों होता था, लेकिन अब जो है इसमें एक ही रिटेन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों फिजिकल की बात करें तो 10 किलोमीटर की रनिंग होती है, वो होती है बॉयज़ के लिए, जबकि वुमेन के लिए दोस्तों बात करें तो 5 किलोमीटर की यहाँ पर रनिंग होती है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है दोस्तों वो है टीचर की। दोस्तों टीचर में अगर हम लोग बात करें झारखंड सरकार में स्कूली शिक्षा विभाग की, तो स्कूली शिक्षा विभाग में दोस्तों कुल अगर हम लोग बात करें तो 1,50,577 पद है, ठीक है। कुल कितने पद है, 1,50,577, उसमें से दोस्तों देखिए खाली अगर रिक्त पदों की बात करें तो 73,523 दोस्तों अभी भी रिक्त पद यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों अभी दोस्तों जो टीचर की वैकेंसी दोस्तों जो निकली थी उसमें दोस्तों अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कुछ की ज्वाइनिंग हो पाई थी, कुछ की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो इसी के कारण दोस्तों नया नियमावली अभी बनाया गया, जिसके थ्रू दोस्तों अभी मैं बता दूँ जितने भी जो टीचर के लिए जो क्वालिफाई हुए थे उनकी दोस्तों नियुक्ति बहुत जल्द अब सरकार यहाँ पर करने वाली है, ठीक है। और नई वैकेंसी भी दोस्तों यहाँ पर आने वाली, क्योंकि इतने ज़्यादा रिक्त पद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकें। यहाँ पर आप खुद भी देख सकें कि 73,523 के आसपास दोस्तों अभी
सरकार के पास दोस्तों रिक्त पद है टीचर में, तो एक अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग टीचर में एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 42 तक दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट होती है। क्वालिफाई दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएड रहने वाली है। देखिए पे स्केल देखिए पे जो है टीचर की होती है 35 से 60 के बीच होती है, काफ़ी अच्छी खासी दोस्तों होती है और ये हमेशा से दोस्तों यहाँ पे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो टीचर में दोस्तों आपको 2021 के अंत तक एक अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कृषि एवं आपदा प्रबंधन विभाग। दोस्तों अगर इस विभाग की बात करें कृषि एवं आपदा प्रबंधन विभाग की, तो यहाँ पे देखिए कि 2021 की अगर हम लोग बात करें तो कुल दोस्तों यहाँ पे 45,525 पद जो है यहाँ इस विभाग में है, लेकिन देखिए मात्र दोस्तों अगर बात करें तो 10,000 के आसपास 10,000 कुछ पद जो है यहाँ पे भरे हुए हैं, बाकी देखिए आप 35,322 पद अभी भी यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। तो इससे दोस्तों साफ जाहिर होता है कि जो सरकार है वो यहाँ पे खाली पदों को भरने के लिए पूरी तरीके से दोस्तों तैयार है। 2021 के अंत तक आप लोग दोस्तों वेट करिए, 2021 के अंत तक झारखंड में जो वैकेंसी इसकी भरमार आने वाली है दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35,322 पद सिर्फ कृषि विभाग में यहाँ पे है, इसकी जो पूरी डिटेल है वो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ठीक है, कृषि विभाग की अगर दोस्तों हम लोग कुल पद की अगर हम लोग बात करें तो 45,525 है, जबकि खाली पद अभी भी रिक्त है 35,322। क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहती है दोस्तों कृषि विज्ञान से स्नातक या फिर इससे समकक्ष कोई भी डिग्री यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे रहती है 21 से 40 वर्ष के बीच। ठीक है, और लिखित परीक्षा दोस्तों यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है। तो कृषि विभाग में दोस्तों एक अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी आप लोग को आने वाले टाइम में यहाँ पे 2021 में देखने को मिलेगी। ये टॉप लिस्टेड जो है दोस्तों ऐसे बहुत सारे विभाग है जहां पे रिक्त पद पड़े हुए हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड है जो टॉप लिस्ट में दोस्तों आ रहा है एकदम टॉप 5 में, उसकी दोस्तों पूरी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको दोस्तों इसके जो भी मैं वैकेंसी डिटेल बता रहा हूँ उसका निकलने का दोस्तों चांस दोस्तों यहाँ पे 110% है कि यहाँ से दोस्तों आपको वैकेंसी 2021 के अंत तक 100% देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों वैकेंसी की बात मैं करने वाला हूँ वो है झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की। दोस्तों झारखंड ग्रामीण विकास में दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे देखिए इसका भी दोस्तों जो अगर कुल पद की हम लोग बात करें तो 10,300 कुल पद हुए, लेकिन दोस्तों रिक्त देखिए आप लोग 7,341 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए, यानी कि दोस्तों झारखंड के जितने भी दोस्तों जो विभाग हैं उन सभी विभागों में दोस्तों मात्र दोस्तों अगर वैकेंसी कुल पद की बात करें तो उसका दोस्तों 50% भी यहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। 100% दोस्तों मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कुल पद है तो उसका दोस्तों मात्र 30% ही आपको देखिए कि वो पद जो है भरे हुए हैं। यहाँ पर यही हाल है दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग का भी। ग्रामीण विकास विभाग में दोस्तों कुल 10,300 पद हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र देखिए खाली जो पद हैं वो 7,341 मात्र दोस्तों 2 से 2,500 के बीच दोस्तों यहाँ पे पद जो है वो भरे हुए हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों वैकेंसी आने की पूरी संभावना है कि 2021 के अंत तक आपको यहाँ से भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों जो क्वालिफिकेशन रहता है यहाँ पे रहता है 10th+ PG के से रिलेटेड, 10th से लेकर PG तक आपकी कोई भी डिग्री जो है यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 के कोई भी जो कैंडिडेट है झारखंड से रिलेटेड वो यहाँ पे इस वैकेंसी को आराम से भर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और होता है दोस्तों, जब रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो इसके साथ दोस्तों इंटरव्यू भी लिया जाता है। आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पे पास करिएगा तो इसके बाद दोस्तों आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग इसकी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखिए GK रहता है, इसके बाद मेंटल एबिलिटी एक नया चैप्टर यहाँ पे दिया जाता है, इसके बाद इंग्लिश रहता है और मैथ दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण सड़क विकास जो है यहाँ से भी वैकेंसी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। नेक्स्ट जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं दोस्तों वो है झारखंड राजस्व विभाग। देखिए झारखंड राजस्व विभाग में एक अच्छी खासी दोस्तों वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। देखिए झारखंड सरकार के राजस्व में कुल मिलाकर दोस्तों बात करते 11,442 पद है कुल, लेकिन देखिए यहाँ पर भी आधे से भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आधे सीट भी यहाँ पे दोस्तों भरी नहीं हुई है। देखिए 6,739 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जो पद है वो झारखंड सरकार चाह रही है कि बहुत ही जल्द इसको दोस्तों जैसे को नोटिस भी इसको लिखा दोस्तों भर दिया गया है, क्योंकि राजस्व विभाग दोस्तों एक महत्वपूर्ण विभाग है सरकार का। यहाँ पे अगर दोस्तों वैकेंसी खाली रहती है यानी कि सरकार का जो कामकाज है वो पड़ा हुआ रहता है, तो इस विभाग को भरना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और सरकार इसको दोस्तों भरने के लिए 1 महीने के अंदर दोस्तों पदों को भरने को लेकर जैसे को नोटिस भेज दिया है। तो नोटिस भी दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर भेज दिया गया है, आज बहुत जल्द दोस्तों आपको राजस्व विभाग में झारखंड का वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलिए इस वैकेंसी की थोड़ी डिटेल हम लोग बात करते हैं। तो देखिए राजस्व विभाग की अगर हम लोग कुल पद की बात करें तो कुल पद जैसे कि आपको बताया कि 11,442 हैं और रिक्त कितने हैं तो 6,739। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 12th प्लस ITS सर्टिफिकेट इन सर्वेयर के होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट की हम लोग बात करते हैं तो एज लिमिट दोस्तों 18 से 35 वर्ष का होना आवश्यक है। और इसमें भी दोस्तों एक चीज़ और है कि इसमें भी दोस्तों रिटर्न एग्जाम होने के बाद आप लोगों की इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाता है। इंटरव्यू के बिना दोस्तों यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बन सकती है। तो राजस्व विभाग में भी दोस्तों इंटरव्यू और रिटर्न दोनों होते हैं। अगर हम लोग दोस्तों पे स्केल की बात करें तो 21,700 लेकर 50,000 के आसपास दोस्तों आपका पे स्केल होता है। और ये दोस्तों जो पे स्केल होता है इसके बाद दोस्तों आपका बहुत सारा अतिरिक्त जो है वो भी पैसा आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो टॉप 5 वैकेंसी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, ये दोस्तों आपको आने वाले वक्त में 110% दोस्तों 2021 के अंत तक आपको मान के चलिए कि देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, बाकी और भी कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम दोस्तों उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आने वाले समय में दोस्तों झारखंड से रिलेटेड जितनी वैकेंसी है उसको पास करने के लिए झारखंड जीके आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो झारखंड जीके की पूरी सीरीज को हम लोगों ने कवर करके रखा है, सारी जितने भी जीके हैं सारे जीके की ट्रिक हम लोगों ने अपने चैनल पर उपलब्ध कराया है। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं झारखंड की तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में झारखंड जीके की प्ले लिस्ट पर जाकर चेक करिए, आपको बहुत सारी जीके की ट्रिक वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।